हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड आज मैं लाई हूँ 10 मिनट में बनने वाली सैंडविच की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 आलू लिए हैं, उसको हम बॉईल कर लिए हैं और छिलका हटा दिए हैं, और 6 ब्रेड लिए हैं। तो ब्रेड की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आलू को हम इस तरीके से मैश कर लेंगे, आप चाहे तो स्पून से भी मैश कर सकते हैं, हम हाथ से ही मैश कर लेते हैं। इसमें बड़े टुकड़े नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर अब हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज छोटे टुकड़ों में कट करके, एक मीडियम साइज़ का टमाटर डालेंगे कट करके, बीच का पार्ट हटा देंगे नहीं तो गीला हो जाएगा आलू। और यहाँ पे एक मिर्ची डालेंगे छोटे टुकड़ों में कट करके, थोड़ा धनिया डालेंगे, भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच यहाँ पे डालेंगे नमक। तो फ्रेंड इसमें हम मसाला नहीं डालेंगे। और 2 चम्मच इसमें डालेंगे टमाटर सॉस। तो आप एक बार इस तरीके से बनाइए, सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनता है और झटपट बन सकता है, ब्रेकफास्ट में बनाकर इसको खा सकते हैं। तो आलू को अच्छे से हम सारे मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से मिक्स हो गया है, इसको हम कर लेते हैं साइड में। और यहाँ पे हम एक प्लेट लेंगे और सारा ब्रेड हम इसमें लगा देंगे। ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे 1-1 चम्मच करके टमाटर सॉस। तो सारे ब्रेड पर इस तरीके से आप सॉस लगा दीजिएगा। और अब हम लगाएंगे आलू। तो फ्रेंड ये सैंडविच आप बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है और आप इसको झटपट बनाकर खा सकते हैं, सुबह लंच में बच्चों को दे सकते हैं, और इसमें लंच में देना तो आप टमाटर स्किप कर दीजिए। तो फ्रेंड इस तरीके से सारे ब्रेड पर लगा देंगे, और इसके ऊपर का पार्ट जो हमें लगाना है उसके ऊपर हम लगाएंगे चिली सॉस। तो आप जितना तीखा खाते हैं आप उस हिसाब से लगा सकते हैं, और इसके ऊपर से हम लगा देंगे। तो सारा ब्रेड में हमें इसी तरीके से लगा देंगे। इस पर हम तवा गरम कर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे 1 चम्मच घी। आप चाहें तो आप इसको बटर में भी बना सकते हैं। इसको चारों तरफ फैला देंगे और जो ब्रेड हम बनाकर रखे थे इसको एक एक करके तवे पर लगा देंगे। इसको 1 मिनट तक सिकने देंगे। 1 मिनट बाद हम दूसरे साइड इसको चेंज कर देंगे। दूसरे साइड चेंज करके यहाँ पे हम 1 चम्मच घी लगा देंगे, जिससे कि जो ब्रेड है वो दोनों तरफ अच्छे से कुरकुरा हो जाए, ड्राई ना रहे। तो फ्रेंड इसको हल्का हल्का फ्रेश कर देंगे और 1 मिनट बाद इसको हम तवे से हटा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड कुरकुरा सब सैंडविच तैयार हो गया है, और इसको अब हम चाकू से कट कर लेते हैं और हम आपको अब सर्व करके दिखा देते हैं। तो फ्रेंड आप एक बार इस तरीके से रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है, झटपट बन जाता है, आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करना है, आलू फ्राई नहीं करना है, कुछ नहीं। तो फ्रेंड अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को